तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गूगल सीट। गूगल सीट में हम बात करेंगे चार्ट्स की। तो सबसे बात जानिए कि चार्ट का इस्तेमाल होता क्यों, पहले चीज को जानिए। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, कि हमारे पास डेटा है और डेटा है, मैं यहाँ पे मंथ देता हूँ, जैसे जैन फैर होते हैं ना, और यहाँ पे हम कुछ फिगर्स दे देते हैं। आपको लग रहा है कि चलो फिगर अगर मैं छोटा देता हूँ, मान लीजिए 85 से छोटा फिगर देता हूँ, तो आप इजीली बता सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट 95 है, सबसे लोएस्ट 25 है, राइट सर? क्या? हाँ सर, हाँ। लेकिन अब इसी फिगर को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, आप बताना मुश्किल है सबसे हाईएस्ट क्या है और सबसे लोएस्ट क्या है, बताना मुश्किल है सर, क्योंकि फिगर इतना ज्यादा है कि दोनों के बीच की कंपेयर निकालने के लिए हमें कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी। हम दिमाग में इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इतना बड़ा है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाते हैं और यहां चार्ट पे आते हैं। हेलो, आवाज आ रही सर? नीरज को ज्वाइन किया है। तो यहां पे इजीली पता चल रहा है कि हमारा सबसे हाईएस्ट कौन सा है, अप्रैल महीना है, अप्रैल वाला। तो चार्ट का यूज समझ में आ गया? हाँ सर, हाँ सर। अब चलिए चार्ट जब हम लगाते हैं तो चार्ट कितने तरह के होते हैं उसके बारे में चले जानते हैं। तो चार्ट को आपने डेटा बनाया, डेटा को सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट, आप चार्ट पे चले जाइए। चार्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो डिफॉल्ट चार्ट आपके सामने लग जाएगा और डिफॉल्ट हमारा कॉलम चार्ट होता है, लेकिन साथ में ही आपको यहाँ पे चार्ट के जो बार है इस साइड में, इसके बार खुल जाए, इसमें एक सेटअप है और दूसरा कस्टमाइज है। तो पहले हम सेटअप को देखते हैं। सबसे पहले आता है चार्ट टाइप, कि इसमें आप चार्ट को कौन कौन से टाइप चाहिए आपको, या आपका कॉलम चार्ट चाहिए, या आपका बार चार्ट चाहिए, या आपका एरिया चार्ट चाहिए, या आपका पाई चार्ट चाहिए, या आपको लाइन चार्ट के भी कई सारे हैं, या पे मिक्स चार्ट चाहिए, एरिया में भी वो सारे। तो आप यहाँ से अपने चार्ट के टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, राइट सर, हेलो हेलो, समझ आ रहा सर? हाँ राइट सर। तो हाँ सर, हाँ सर, यहाँ से चार्ट चल सकता है। चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने बात की कॉलम चार्ट जो आपके सामने दिख रहा है उसकी। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जैसे सेकिंग नॉन है या फिर स्टैंडर्ड हमने किया या 100% किया, दिख रहा है सर? अभी दोनों का मतलब समझ में आया, नन कर दिया। स्केटिंग का मतलब नन कर दिया। अब स्केटिंग में स्केटिंग होता तब क्या होता? तो चलिए इसके लिए हमें डिफरेंट के डेटा यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा, ठीक है? तो स्केटिंग और 100% इन दोनों को समझते हैं। तो यहाँ पे हम दो नेम, दो तीन तीन चार नेम लेते हैं, यानी यहाँ पे इसको पेश करता तो पता चलेगा, डाल दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया और हमने इंसर्ट किया चार्ट। अब चार्ट में आप यहाँ पे देखिए कि स्टैंडर्ड है, मैंने यहाँ पे नन कर दिया जो डिफॉल्ट नन होता है। तो आप देख रहे हैं कि P1 में जितने भी नेम, यहाँ पूजा हो गया, यहाँ पे आपका नीरज हो गया, ये आपका कविता हो गया, ये आपका मोहन हो गया, इन तीनों का, चारों आदमी का अलग अलग बार दिख रहा है, दिख रहा है सर? हेलो, हाँ सर, हाँ सर। अब इसी में मैं अगर मान लीजिए कि इसकी जो स्टैंडर्ड है, मतलब चार्ट स्टाइल पे आते हैं, कस्टमाइज में चलेगा स्ट्रक्चर का, इसमें मैं स्टैंडर्ड कर देता हूँ, तो आप देखते हैं कि अब मेरे पास जितने प्रोडक्ट है उतने ही कॉलम है, देखिए कॉलम के हिसाब से, और उस कॉलम के सीक्वेंस है कि इतना आपका कभी नीरज का हो गया, कविता का हो गया, या आपका
इसका कविता मोहन का होगा, ठीक है सर, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब इसमें 100% करते हैं तो क्या होगा, अब पूरा इसका कंट्रीब्यूशन दिख जाएगा आपको कि भाई कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल में, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से नन और इस पर यूज कर सकते हैं। इसके बाद डेटा रेंज आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सिस, एक्सिस में नेम है हमारा, मतलब कि नेम डला हुआ है, और सीरीज में हमारा पूजा नीरज डला हुआ है। इसको चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद मान कि मुझे चेंज करना है कि मैंने नेम को यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ, नहीं आया फिर स्विच होते हैं यहाँ पे, उसके बाद इस पर आपका डेटा जो है सम है, आपका सम के हिसाब से लिया गया है, एवरेज के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से चलना चाहिए। यहाँ पे होता है स्विच रो टू कॉलम, अब क्या होगा, अब नेम यहाँ पे आ गया, प्रोडक्ट यहाँ पे चले गए, ठीक है? यूज कॉलम ए इज द हिडर, ठीक है? मतलब कि नेम वाला जो कॉलम है उसका भी आ जा रहा है, कभी कभी डेट वगैरह पकड़ लेता है तो इसका यूज करना होता है। तो ये समझ गए आप? अब ये जो फॉर्मेटिंग है हर चार्ट के लिए मोस्टली सेम ही होती है, चाहे चार्ट की टाइप क्यों ना हो, हर टाइप के लिए सेम ही होती है सर। अब इसमें हम कस्टमाइज में आते हैं, इसका ग्राफिक्स चेंज नहीं कर देते? हाँ बता रहा हूँ, कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अभी तो मैंने हर चार्ट के लिए सेम बताया, समझे कि आपको सेटअप सेम होता है, चाहे कॉलम चार्ट हो या जो भी चार्ट यहाँ लेना चाहते हैं, ठीक है? ये चार्ट के लिए, चार्ट के टाइप। अब इसके सेटअप में कस्टमाइज में आते हैं, फिर मैं वन बाय चार्ट के टाइप पे भी आऊंगा। ये आपका चार्ट का स्टाइल है, किसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, नहीं व्हाइट नहीं चाहिए, ग्रे चाहिए। यहाँ से चार्ट की बैकग्राउंड कलर चूज कर सकते हो। यहाँ थीम है कि इसका क्या होना चाहिए, व्हाइट नहीं एरियल होना चाहिए, तो इसका फॉन्ट सारा एरियल हो गया। उसके बाद चार्ट का बॉर्डर का कलर कैसा होना चाहिए, तो मेरा रेड होना चाहिए, तो बॉर्डर हमारा रेड हो गया। उसके बाद यहाँ पे रीसेट लेआउट मैक्सिमाइज चाहिए तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, या 3D चाहिए तो आपका 3D हो जाएगा, दिख रहा है सर? कंपेयर मोड चाहिए तो कंपेयर मोड पे इफेक्ट नहीं है, कंपेयर मोड इफेक्ट होता है किसी और पे होता होगा, इसमें नहीं होता है सर। चार्ट और एक्सिस टाइटल की बात करें हम, तो चार्ट का टाइटल हम बात करते हैं, यहाँ पे टाइटल बाय डिफॉल्ट जितने भी नेम होते हैं ना वो ले लेता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेल्स, सेल्स बाय सेल्स ऑफिसर, ठीक है? इस तरह के चार्ट ले सकते हैं, चार्ट की फॉर्मेटिंग, इसकी टाइटल की फॉर्मेटिंग होगी, क्या फॉर्मेटिंग चाहिए वो। अब बात करते हैं सीरीज की, जो इसको जो लाइनिंग जो दिख रहा है इसको सीरीज कहते हैं। तो सीरीज में अप्लाई ऑल सीरीज, कलर आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं पूजा करता हूँ तो पूजा, मान लीजिए मुझे पर्टिकुलर पूजा का कलर चेंज करना है, तो यहाँ से मैं पूजा को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसकी कलर मैं कुछ और कर देता हूँ जो चाहिए, ठीक है? या फिर सबका कलर अलग कर, सेम करना है तो यहाँ पे सबका कलर सेम नहीं कर सकते, वन बाय वन ही कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपका लेफ्ट एक्सिस में आपका लेफ्ट एक्सिस है, यहाँ राइट करेंगे आपका तो ये आपका राइट साइड में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट टाइप सम है, सम के जगह मैं काउंट करूंगा तो काउंट हो जाएगा, एवरेज करूंगा तो एवरेज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक सम एवरेज कर देगा एग्रीगेट टाइप के लिए। उसके बाद एड डेटा पॉइंट, मतलब कि इसके ऊपर जो डेटा है वो शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट डेटा पॉइंट, अब वन बाय वन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना सर, नेम के हिसाब से। ओके सर,
आपका डेटा पॉइंट ऐड हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेटा लेवल्स करते हैं, तो इसके ऊपर जो डेटा लिखा हुआ है वो आ जाएगा और उसकी फॉर्मेटिंग आपके यहाँ दिख जाएगी कि वैल्यू होगा या फिर कुछ नहीं चाहिए, पोजीशन में ऑटो चाहिए या फिर सेंट्रल इनसाइड चाहिए। अच्छा लेजेंड में क्या चाहिए, लेजेंड का कलर क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कलर क्या होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस का कलर क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेटिंग आप खुद भी देख सकते हैं क्या सर? हाँ सर, हाँ सर, ये फॉर्मेटिंग देख सकते हैं। तो ये आपका था बार चार्ट, बार चार्ट समझ में आया? अब सॉरी कॉलम चार्ट माफ कीजिएगा। दूसरा इसमें आता है कि आप जैसे आपने डेटा सेलेक्ट किया तो ये आपने अगर इस पर चार्ट लगाते हो राइट, इंसर्ट करते हो चार्ट, तो चार्ट इंसर्ट करते ही वो चार्ट को समझ के एक ऑटोमेटिक, जरूरी नहीं है आपको कॉलम क्लास ही देगा। वो अपने हिसाब से सेट कर लेगा। वो अपने हिसाब से एक ले देगा जब समझ के। तो यहां से आप अपने हिसाब से ले लेगा, लेकिन इसके अलावा आप यहां चेंज कर सकते हो। चेंज करने में जाओगे तो आप गूगल ही आपको सजेस्ट करके दे रहा है कि इस डेटा पे कितने चार्ट परफेक्टली होने चाहिए। अब गूगल की सजेशन को आपको नहीं मानना है तो आपके पास चार्ट के अलग अलग डिजाइन है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट का यूज होता है फ्लो देखने के लिए, और इसका भी सेम मेथड है जो आपने देखा था, इसका सेम फॉर्मेटिंग है जो फॉर्मेटिंग आपने पार्टिकुलर किया है, थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे स्मूथ या आपका स्मूथ होगा या यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगा, फुल नल वैल्यू और कंपेयर मोड, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको चार्ट का एक्सिस, सीरीज, लेजेंड, बाकी सब चीज सेम ही है जो होता है। सेटअप में अगर हम यहाँ से कॉलम चार्ट को हटा दें, स्मूथ लाइन चार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, एक यहाँ पे हमारे सामने आता है, ये तो स्मूथ ही था, ये दोनों एक ही है, हमने चेंज किया था। दूसरा आता है यहाँ पे कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट में क्या होता है बताता हूँ आपको। जैसे कि आप आपके पास डेटा है, जैसे ये आपका डेटा आ गया और नीचे आपका ये जो है हमारा, वो हमारा टारगेट है, नीरज का नहीं है, टारगेट का है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे दो अलग लाइनिंग में दिखाए कि हमने टारगेट कितना अचीव कर लिया था, कितना करना चाहिए। तो जैसे चार्ट में क्लिक करोगे, इन दोनों को सेलेक्ट करके लाइन चार्ट में दे दिया, लाइन चार्ट की जगह पे यहाँ आप कॉम्बो चार्ट सेलेक्ट कर लीजिए। कॉम्बो चार्ट सेलेक्ट करते ही आपके सामने चार्ट आपके सामने दिख जाएगा राइट। वो रेड रेड कलर का वो टारगेट, हाँ टारगेट, रेड कलर टारगेट ले लीजिए। बट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ कस्टमाइज में जाकर चेंज करना पड़ेगा। कस्टमाइज में आते हैं तो यहाँ पे आता है चार्ट की स्टाइल, या आप यहाँ से स्टाइल स्मूथ और बाकी चीजें देख सकते हैं। फिर आता है चार्ट का टाइटल एक्सेस, या आपका टाइटल एक्सेस यूज कर सकते हैं। फिर सीरीज आता है, सीरीज में आपका लाइन है का क्या होना चाहिए, कॉलम का क्या होना चाहिए, फॉर्मेट आप यहाँ ये देख सकते हैं ठीक है। लेकिन मुझे लाइन में टारगेट को रखना है तो कैसे करेंगे? ये देखना है कि लाइन में हम टारगेट को रखेंगे कैसे रखेंगे, क्या एक्सिस चेंज करना पड़ेगा ना? हाँ
एग्रीगेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ यहाँ देखिए सर, यहाँ चेंज करने पूजा एंड टारगेट, पूजा एंड टारगेट, पूजा एंड टारगेट, यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं सर। इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, चार्ट को चेंज करने का ऑप्शन यही होना चाहिए। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, देख के बताता हूँ। सेटिंग और ये भी चलता है, एक बार इसको देख बताता हूँ, ठीक है, कॉमो चार्ट में। ओके सर। नहीं तो फिर कॉलम डेटा स्विच करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं होता है तो डेटा को स्विच करना पड़ेगा। डेटा को स्विच कैसे करेंगे? तो मतलब कि पूजा को डेटा को नीचे और नीचे वाले को ऊपर करना पड़ेगा। ओके 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 सर। इसके बाद इस पे जब चार्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक आता है जैसे कि एडिट चार्ट, चार्ट एडिट करेंगे तो चार्ट के यहाँ पे उसका एडिट खुल जाता है, या फिर इसमें डबल क्लिक करेंगे फिर भी आपको एडिट चार्ट आ जाता है। उसके बाद इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ डिलीट, चार्ट डिलीट हो जाएगा। चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हो JPG में, PDF में या फिर स्केबल वेक्टर SVG में तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। पब्लिश चार्ट करना चाहते हो तो चार्ट को कहीं लिंक में के रूप में कहीं पब्लिश कर सकते हो, चाहे एम्बेड कर सकते हो, वहाँ पर सिर्फ चार्ट ही दिखेगा। ठीक है सर, पब्लिश किया वो ईमेल बॉडी पे चार्ट दिखा सकते हैं सर? हाँ, जो कॉपी कर लिया हमने मेल बॉडी पे ऐसे, एक मिनट मेन्यू कंपोज किया, यहाँ आपके सामने दिख रहा होगा इंसर्ट फोटो, इस पर क्लिक कीजिए। बॉडी पर चार्ट लिंक नहीं कर सकते, उसके लिए फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, जो मेल वाली जो भी स्क्रिप्टिंग है वो अपनानी पड़ेगी सर। देखिए इसको कॉपी, इसको हाँ इसको कॉपी करके मैं कहीं और पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे चार्ट आ रहा है, तो आप कहीं पे शेयर करते हो सिर्फ चार्ट ही, चार्ट भी शेयर कर सकते हो। ठीक है सर। हेलो, ओके सर, तो कहीं आप शेयर करना चाहो तो चार्ट ही शेयर कर सकते, इंटरैक्टिव चाहिए या इमेज? हाँ, इमेज में करेंगे तो हो जाएगा सर। इमेज हमने कर लिया तो इमेज में करने पे होना चाहिए, यहाँ पर मैं देखता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर्स ये वगैरह हो गया सर, समझ गया। तो URL क्रिएट करते समय, जब URL क्रिएट करते हैं उस समय आप यहाँ पे इमेज करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये इमेज करेंगे तो सर ये पूरा का पूरा HTML में हो जाएगा ना ये? तो सर ये लिंक आ गया, इस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, जो ईमेल बॉडी है ईमेल बॉडी पे पेस्ट कर दिया आपने सर, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो सर इसकी प्रैक्टिस